Kashif Memon, CEO, Eureka Global Education and Certified Success Coach from Jack Canfield, USA. मैं यहाँ पर USA के West Coast पे हूँ और बहुत सारी actually sea lions को मैं देख रहा हूँ यहाँ पर. बहुत ही ज़बरदस्त जगह है और इनको देखकर मेरे जहन में ख्याल आया कि देखें, अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात जो हैं उनको एक ख़ास एक्चुअली फितरत अता की है. हम इंसानों को भी एक ख़ास फितरत अता की है और हम और दूसरी मखलूकात जब अपने उस ख़ास जगह पर होते हैं तो उनको वो पर्टिकुलर जॉय, वो पर्टिकुलर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, वो फुलफिलमेंट एक्चुअली महसूस होती है. और मैं इनको भी देख रहा हूँ कि किस तरीके से ये सब एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा जॉय फील कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं और हैप्पी मुझे लग रहे हैं. तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी एक लर्निंग शेयर करूं. आप में से बहुत सारे लोग जो है वो अपने लाइफ के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं और वो किसी भी वजूहात की वजह से जो है वो उस पर्टिकुलर जॉय, उस पर्टिकुलर प्रॉस्पेरिटी, उस पर्टिकुलर फीलिंग जो कि फुलफिलमेंट की फीलिंग होती है उसको एक्चुअली हासिल नहीं कर पा रहे. मैं भी आप ही की तरह हूँ और आप ही की तरह अपनी लाइफ के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के अंदर और मुख्तलिफ टाइम्स के अंदर मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया. और जब मैं जॉब लेना चाहता था तो जॉब लेने के वक्त मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल महसूस हुई और लोग मुझे रिफ्यूज़ कर देते थे और या तो इतने कम पैसे ऑफर करते थे कि दिल बिल्कुल जल जाता था. आप समझ पा रहे होंगे, मुझे पता है कि आप में से जो लोग इस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं उनको भी ऐसा ही महसूस होता होगा. मैं आप लोगों के साथ एक फ्रेमवर्क शेयर करना चाहता हूँ जिसको मैंने एक्चुअली अपनी लाइफ के अंदर मुख्तलिफ टाइमिंग के अंदर ऑब्ज़र्व किया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस फ्रेमवर्क को यूज़ कर कर कोई भी शख्स अपनी लाइफ के किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर सक्सेस हासिल कर सकता है. और ये एक पूरा सिस्टम है और मैं आपको उसकी ए बी सी डी बताता हूँ, बल्कि मैं आपको ई भी बताता हूँ, ए बी सी डी ई टू अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव. देखें, ए जो है ना, ए स्टैंड फॉर एम्बिशन. जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आपके पास एम्बिशन होना चाहिए. एम्बिशन से मुराद ये नहीं है कि बस हाँ ठीक है कोई अच्छी चीज़ है तो हम कहेंगे कि हाँ मुझे भी चाहिए. नहीं, एम्बिशन मीन्स यू गॉट अ हंग्री. आपको हंगर होना चाहिए, आपको एक्चुअली इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि यस दिस इज़ व्हाट यू वांट इन योर लाइफ. तो एम्बिशन आपके पास होना चाहिए. जो लोग बगैर एम्बिशन के होते हैं उनकी लाइफ के अंदर जो है वो चार्ज नहीं होता, वो एक्साइटमेंट नहीं होती. सेकंड जो है वो है बी. बी स्टैंड्स फॉर बिलीव. आपको अपने ऊपर कंप्लीट बिलीव रखना है कि यू डिजर्व एंड यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, बिकॉज आपको अल्लाह ताला ने यूनिक बनाया है. और चाहे आपके वालदैन दोबारा कितने भी एक्चुअली मोहब्बत कर लें, दे कैन नॉट एक्चुअली क्रिएट सेम ऑफ यू. यू आर यूनिक फ्रॉम टॉप, फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम राइट, फ्रॉम लेफ्ट. सो जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड हैव बिलीव इन योर सेल्फ. सी इज कॉम्पिटेंसी. देखें, कॉम्पिटेंसी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करने के लिए एक सर्टेन स्किल चाहिए होती है और जब तक आपके पास वो स्किल नहीं होती आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं. और स्किल को हासिल करने के बाद यू फील कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के बाद एक्चुअली यू फील कॉम्पिटेंस. तो मैं उस कॉम्पिटेंस की बात कर रहा हूँ कि देखो, जब आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंस भी होते हैं. तो ये कॉम्पिटेंसी का और कॉन्फिडेंस का जो लूप है वो इस तरह चलता है कि यू फील मोर कॉन्फिडेंस एंड देन यू फील मोर कॉम्पिटेंट. और जितना आप कॉम्पिटेंट फील करते हैं आप और रिस्क लेते हैं लाइफ के अंदर. जब रिस्क लेते हैं तो आप एक्चुअली ज़्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि ग्रोथ का फॉर्मूला है रिस्क प्लस अवेयरनेस. ठीक है, ए बी सी आपको पता चल गया. अब मैं आपको बताता हूँ डी. डी स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन.
आपको अपनी लाइफ के अंदर इन पर्टिकुलर अचीवमेंट के लिए डिसिप्लिन भी शो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर आज कोई एक्शन लिया और फिर दो दिन तक कुछ नहीं किया, फिर आपको जोश चढ़ा और फिर आपने किया, तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है दैट विल एक्चुअली नॉट ब्रिंग यू द काइंड ऑफ रिजल्ट्स यू वांट माय फ्रेंड इन योर लाइफ। आपको डिसिप्लिन शो करना है और डिसिप्लिन के अंदर जॉय फील करना है, जिसे मैं कहता हूँ ऑनर योर स्ट्रगल, ऑनर स्ट्रगल उसको फील करें। बिकॉज जो लोग मेहनती होते हैं, जो लोग एक्चुअली स्ट्रगल करते हैं और उसके ऊपर ऑनर फील करते हैं कि भाई मैं कोई लेजी नहीं हूँ, वो लोग जॉय फील करते हैं। और डिसिप्लिन तभी रह पाता है जब आप जॉय फील करें, तो डिसिप्लिन ज़रूर शो करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज ई, स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट। योर एनवायरमेंट मस्ट सपोर्ट यू। आपके जो सराउंडिंग में जो लोग हैं, आप जिस जगह पर काम करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। चाहे आप कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, हेल्थ है, रिलेशनशिप है, करियर है, बिजनेस है, ग्रोथ है, स्पिरिचुअलिटी है, अपने इन्वायरमेंट को ऐसा क्रिएट करें कि वो इन्वायरमेंट आपको सपोर्ट करे। क्योंकि अगर आपका इन्वायरमेंट आपको सपोर्ट नहीं करेगा, तो आप कितने भी एक्चुअली विल वाले हों, कितना भी आपका विल पावर हो, विल पावर नीचे चला जाएगा और वो इन्वायरमेंट आपको एक्चुअली ओवरकम कर देगा, इन्फ्लुएंस कर देगा। तो अच्छा इन्वायरमेंट होगा, सपोर्टिंग इन्वायरमेंट होगा, तो आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे होंगे, डिसिप्लिन भी होगा और आप चार्ज भी फील करेंगे। तो ये ए बी सी डी ई जो है, इस फ्रेमवर्क को आप अपनी लाइफ के किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर फॉलो करें और फिर आप देखें कैसे रिजल्ट्स आपके पास आते हैं। आप ज़रूर मुझे बताइएगा, आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। हमारी कंपनी जो है यूरिका ग्लोबल एजुकेशन, उसका यही काम है कि वो आपकी तरह के जो लोग हैं उनको हेल्प करें, उनको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाए, उनको हाई परफॉर्मर बनाए, उनको सक्सेसफुल बनाए। और आप ज़रूर मुझे बताइए अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, आपको मेरी फ्री ट्रेनिंग्स चाहिए, आपको फेस टू फेस ट्रेनिंग चाहिए फ्री, आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करें, इस नंबर के ऊपर अपने सेशन को बुक कराएं। और कोई भी करियर से रिलेटेड, बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड या फिर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन हो, आप मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।